माननीय राजीव शुक्ल। धन्यवाद उपसभापति जी। वैसे तो गडकरी जी की जो है इन्होंने जो काम किया है सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जो मुझे पता चला जैसे NHAI के बारे में बता रहे थे कि NHAI की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, और जो टोल कलेक्शन की बात कर रहे हैं उससे उनकी मेंटेनेंस रोड्स की बड़ी मुश्किल हो रही है। एक सर्टेन पीरियड के बाद जो रोड बिल्ड करता है उसको वापस उसका पीरियड पूरा होने के बाद वापस NHAI के पास चला जाता है। तो मैंने सुना है कि क्या ये बात मंत्री जी बता सकते हैं कि सुना है कि फिर उन रोड्स को वापस प्राइवेट सेक्टर को बेचने की तैयारी है? थैंक यू। जिन रोडों को वापस NHAI लेती है। थैंक यू। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि NHAI की पोजीशन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, और मैं हाउस के रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि मैं 5 लाख करोड़ के रोड हर साल बना सकता हूँ, और मुझे हमारे पास पैसे की कमी नहीं है सर। और आप ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको पूछो, कोई भी पार्टी का है जो मुझे रोड मांगने के लिए आता है मैं उसका सैंक्शन कर देता हूँ। एक भी पार्टी का MP नहीं कर सकता सर। NHAI AAA रेटिंग है, और मैं थोड़ा सा फाइनेंस का थोड़ा सीखा हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, हमारे जावड़ेकर जी ज़्यादा इकोनॉमी को जानते हैं, पर मैंने भी MBA किया है। मैं आपको बताता हूँ मेरा हमारा मॉडल इतना पक्का है राजीव जी कि हिंदुस्तान में आने वाले 3 साल के अंदर 2024 समाप्त होने के पहले मैं 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ। दिल्ली से डेहराडून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, लखनऊ से कानपुर 35 मिनट में, और मेरठ में ऑलरेडी हो गया है। मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आ रहे। प्लीज प्लीज मैडम बैठ करके सुनो। मैं वो भी चल रहा है वाराणसी से कलकत्ता का। तो सर मैं आपको इतना बता रहा हूँ, 26 ग्रीन हाईवे बना रहे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ, और कोई पैसे की कमी नहीं। अभी सर 2 बैंकों के चेयरमैन मेरे पास आकर बोल रहे थे, एक बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो, दूसरी बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो, मेरे मुझे 6.45 पर पैसा मिला है। हिंदुस्तान में AAA रेटिंग NHAI का है, और NHAI के लिए कोई फाइनेंशियल तकलीफ नहीं है। इस देश में RNH डिक्लेयर करके पूरा ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाकर हम इस देश की पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलेंगे, तो भी पैसे की कमी नहीं है। हाँ, काम करने में कोई कमी होती तो उसको और हम पीछे लगकर करवाने की कोशिश करते। और आप जितने लोग जो जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हो, आप एक एक कॉन्स्टिट्यूशन में ये 8 साल में कितना बदल हुआ है आप ये देखिए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।